Emily. Emily. अरवि, मुझे लगा ही था कि बारिश होगी। तुम वहां बारिश में क्या कर रही हो? अंदर आओ। सब्जी हो गई है और गैस बंद कर दी। बेकार में क्यों बाहर दिख रही हो? मैं कर रहा हूँ ना, जाओ आराम। अरे बिटिया, ये तुम क्या कर रही हो? पप्पा के साथ एक गेम खेलोगी ना? सुंदर लग रही ना? पकड़, आजा, पकड़ो, आजा, आजा। नहीं नहीं, तो नहीं बेटा, बस यूं गया और साइन करके लौट आया। पापा को बोलो चाओ, चाओ, टाटा। दो एक कम दो, दो दुनी चार, दो दिया छः, दो चक्के आठ, दो पंचे दस, दो चक्के बारह, दो सत्ते चौदह, दो अठे सोलह, दो नवे अठारह, दो दसे बीस। और कितनी दूर है? बस अभी थोड़ी दूर और चलना है। बस पहुँच ही गए बेटा। कुछ खाएगी बेटी? पप्पी, मेरे साथ खेलोगे? छोटे भाई को कभी तंग नहीं करते बेटा। बहुत गर्म है क्या? ये ले। ऐसे डर मत। देखो क्या कर रही है दीदी। पापा की तरफ देख। थोड़ा सा राइट। हाँ इधर बस। स्माइल। याद देखो, याद देखो। अरवि। सिगरेट मत पियो पापा, बदबू आती है। अब कभी नहीं पीऊंगा। आराम से। ठीक है साहब। हाँ रख दो। ठीक है साहब। जल्दी करो, देर हो रही है। शिवदानु, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। तू वहाँ क्या कर रही है? चल, चलना नहीं है क्या तुझे? शहर में पार्क होंगे, बीच होंगे, सब होगा। हाँ वहाँ रख दो। ठीक से लगाना भैया। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। बुलाओ उन्हें। सर, आपको बुला रहे हैं। लाओ मुझे दे दो। अरवि के पिता हैं आप? जी सर। कहाँ रहते हैं? हाउसिंग बोर्ड में। 15 साल से वहीं रहता हूँ सर। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, और तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं पापा से कह दूँ। शब्बी, हाँ? चल निकलते हैं। अरवि, मेरा नाम मिटा दे, दोबारा बात नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। रवि,
अगर एक्स्ट्रा पैड है तो प्लीज मुझे दो ना। बड़ी आई, पैड मांगने वाली खुद का पैड नहीं ला सकती क्या? चल निकल यहाँ से। मुझसे ना पैड मांग रही थी मोटी, अक्कल ठिकाने लगा दी मैंने। कितना स्मार्ट है ना ये। हाँ, अच्छा है। कहाँ से लाई तू? ४९४२ में वो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है तूने। माँ मजेदार खाना बनाना। दीदी हैप्पी बर्थडे। दीदी थैंक्स छोटे। अरे जल्दी खींचना। थैंक्स कौशिक। ये ना मेरे दादाजी की है, रियल गन। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान मेरे दादाजी को बहादुरी के लिए जापानी जनरल ने गिफ्ट की थी। थोड़ा मुझे देना। हंसा मुझे। चल जा, चल निकल। ओए उसे छोड़, वो हमेशा ना ऐसे ही करती है। मैं चाहती हूँ जब कोई मुझे प्रपोज करे तो एक प्लेन कार्ड दे, उसे जब मैं खोलूं तो उसमें लिखा हो आई लव यू अरुवी। उसे पढ़ने के बाद जो फीलिंग आती है उसे कहते हैं प्यार। बट प्लेन क्यों? लव को कोई शब्दों में कैसे बयान कर सकता है? कॉलोनाइजेशन के बाद। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो सब कंपल्सरी क्वेश्चन है पापा। मैंने आपसे कहा था ना पैसे का बंदोबस्त कर दीजिए। सब रेडी कर लिया ना? हाँ हाँ हो गया। यार ये मुझे मिल नहीं रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया इस बार दो नंबर का पक्का। शर्त लगाती है। ₹2 ओके? ₹2 कुछ तो शर्म किया कर। होमवर्क कहाँ है तुम्हारा? सर, क्या सर? हाँ क्या सर? सर लाना भूल गई। भूल गई तुम? हाँ कैसे भूल गई? MCC सर, UG साइकोलॉजी। The Friedian principle goes forward with them. UPN principle. अशोक, for example, पता नहीं क्यों अशोक, पर इन दिनों मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर मैं दिव्या से प्यार करता हूँ। जैसी तुरंत घर आ जाओ। हाँ मैं बताती हूँ, आओ तो सही। पागल है क्या? अशोक दिव्या पे लाइन मारता है, पूरा कॉलेज जानता है। मुझे पता होता तो प्रपोज करती क्या। आजा, पूरी पागल लड़की है। ये होती कौन है मेरे बॉयफ्रेंड को मैसेज करने वाली? अरे क्या कर रही है तू? मेरे बाल क्यों खींचे तूने? चुत और डर जाने मन। भाड़ में जा तू और तेरा गेम। पापा ये मेरी दोस्त है अरुवी, और अरुवी ये मेरे पापा हैं। हेलो हेलो अरुवी, वेलकम वेलकम। ये लो, शराब नहीं है। जरा कपड़े ठीक कर लो। चीयर्स पापा। हाँ पापा। बोलो बेटा। फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और माँ परमिशन ही नहीं दे रही। माँ से ₹300 ले लेना, पर 10 बजे तक घर आ जाना। ओके थैंक यू पापा, मिल गई परमिशन। ओए मुझे। सुनना चाहिए। ए मुझे बुला रही है तुझे, जा। हाँ ठीक। उल्टी आ रही है क्या? उल्टी करेगी? अरे मोबाइल क्यों बंद है तेरा? सॉरी पापा। पता है हम कितने परेशान हो रहे थे। ए अरवी रुको, शराब पी तुमने? नहीं पापा। सच बोलो। तुम्हारे यहाँ कोई नहीं पीता क्या? चांस ही नहीं है। जिस दिन से मुझे वादा किया था कि सिगरेट नहीं पियेंगे, पापा ने एक भी बार नहीं पी। मुझे नहीं पता तू पी के इतना ड्रामा कैसे करती है। अरे कैसे? ठीक से चलने लगा क्या? नहीं ठीक है। लड़का अच्छा था ना वो? ये लो। शायद मान ले रिलेशनशिप में थी। छी, मैरिज से पहले बिल्कुल नहीं। सोच अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? मैं तो गई काम से। हंस क्यों रही है? और फिर सब कुछ बदल गया। The Friedian principle goes forward with them. UPN principle, for example, both of the conclusion, hence it is proved. क्या हुआ बेटा? बताओ ना। बता बेटा।
पता नहीं पापा। इसी दिन के लिए तुझे बाल पोस कर बड़ा किया था हमने। माँ छोड़ो उसको। चली जा इस घर से। क्या कर रही हो माँ? जा। माँ माँ शांत हो जाओ माँ। आपको अभी मुझ पर यकीन नहीं है ना? आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे? मैं भी पीऊंगी। क्या हुआ करुणा? गिफ्ट लाया? बताना। माँ ने कुछ कहा क्या तुझे? प्लीज उनकी बातों का यकीन मत कर। इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए, मुझे ये घर नहीं चाहिए। करुणा ने मुझे बर्थडे पे विश भी नहीं किया। इतना जरूरी हो गया तेरा बर्थडे? ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बाहर ही डालो ना मुझे फिर। माँ मेरे बारे में कितना बुरा बुरा बोल रही है। मैंने कुछ बुरा नहीं कहा। चुप रहिए। चुप हो जा अरवी। नहीं करनी, समझी? इधर आ। अगर तेरी गलती नहीं होती तो अब तक तू आत्महत्या कर चुकी होती। हमसे इस तरह लड़ने के लिए जिंदा नहीं रहती। जरा खुद को देख गौर से। कौन सुनेगा तेरा झूठ? अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। घर छोड़ दे हमारा। पापा, आरूबी के घर में प्रॉब्लम हो गई है, वो यहाँ रहेगी तो? रहने दो, क्या प्रॉब्लम? पापा बाय। ओके बाय। आरूबी बाय। बाय बेटा। तुम्हारी खुशी में चीयर्स। तुझे बाकी लोग क्या करेंगे? सुनना, एक हरी वाली पैंटी नहीं मिल रही है। तेरे बैग में चेक करूं? तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना? गीता को जानती है तू? सारे मोहल्ले में हल्ला मचा रखा है। अब हरी पैंटी नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं? सारा घर उथल पुथल करके रख दिया है उसने। पैंटी चोर को कोस रही है वो बार बार। बेचारी थक कर मुझे कह रही थी, हर किसी का स्कर्ट उठा के तो नहीं देख सकती, तो जिसने भी ली हो वो चुपचाप मेरी पैंटी मुझे वापस कर दे। मैंने तो साफ कह दिया, एमिली किसी का सामान नहीं चुराती। एमिली अपना अंडरवेयर अपने साथ ही रखती है। मुझे किसी के अंडरवेयर में इंटरेस्ट नहीं है। सही कहा ना मैंने?
ये अरुण मनी सर का ऑफिस हाँ, इधर ही है, वो रहा। थैंक यू। दस दिन की टेलरिंग की ट्रेनिंग होगी, फिर तुम खुद से कर सकती हो। महीने के 3,000 मिलेंगे। मन लगा के काम करना, ठीक है? थैंक यू सर। अरवी मर्द ना सारे, एक बार ये ऐश्वर्या राय को पलट कर नहीं देखेंगे और बार बार हमें घूरने से बाज नहीं आएंगे। हम क्या इतने सुंदर होते हैं? ₹8,000 ही है। पापा को हार्ट अटैक आया है सर, अगर आप ₹1,00,000 दे सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। बैठ जाओ। मैं लौटा दूंगी सर। पहले बैठ जाओ। सुनो, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो सकता है। समझ गई ना? इतना ही हो पाया मुझसे? पापा मुझसे नहीं मिलेंगे क्या? अरवी, तुम बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें माफ कर देंगे? मैं अपने बाप का ख्याल रख सकता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ प्लीज। इसे ध्यान से पढ़ना और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। स्वयं का चित्त जागृत करना बहुत आवश्यक है, वही अज्ञान से बाहर निकालता है। दुनिया घूमने से ज्यादा ये खाना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कौन हो तुम? सर, ओल्ड स्टूडेंट अरुवी। हाँ, अरुवी। सर, कौवा देखे? एमिली, चल भाग, भाग। कौन था? स्कूल में गलत तरीके से छूता था। अच्छा सुनो, तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। सब कुछ सच बताना, उसके बाद हम यहां से चले जाएंगे, समझ रही हो? नाम क्या? अरुवी। उम्र? 25 साल। मां का नाम? बाप का नाम? यहां कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? अलो माँ,
माओवेस्ट या नक्सलवादी हो? ए, हंस क्यों रही है? जो पूछ रहे हैं उसका सही से जवाब दे, ज्यादा होशियारी मत कर, समझी? कितने पासपोर्ट हैं तुम्हारे पास और ट्रेनिंग कहां से ली? दंतेवाड़ा? देखो, अगर सब कुछ अपना कैडर वगैरह बता दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। कोशिश क्यों नहीं करते? ए, सांप के साथ इस तरह बात करती है? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले से ठीक हूँ, गोली लगने की वजह से अभी दर्द है। फॉर्मेलिटी है, मुझे वारदात के बारे में आपसे कुछ सवालों के सही सही जवाब चाहिए, ठीक है? नाम बताइए। बालाजी सुब्रमण्यम। उम्र क्या है? 42 साल। काम क्या करते हैं आप? टीवी शो का डायरेक्टर हूँ सर। कैसा शो? नई सोच और नई राहें, बिल्कुल नए मंच पे आपके लिए सिर्फ सच, 100 परेशानियों के 101 निदान, उन लोगों के लिए जो परिवर्तन चाहते हैं। मारता है। यहाँ कहा जाता है सिर्फ सच। अंकल ने मुझे जबरदस्ती ब्लू फिल्म दिखाई। इस ऊंच नीच का क्या करे, जहाँ हमारे बच्चों का जाना तक अलाउड नहीं है मैडम। मैं मानती हूँ कि मैं वैश्य हूँ। हाँ, ये सच है और ये घर में नहीं रह सकती। नमस्ते। देखो कितना मारो मुझे। मैं हमारा घर बर्बाद कर दूंगा, वरना तेरी जान ले लूंगा। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, बताइए। मैं अपने पति की मौत भी भूल जाऊंगी मैडम, पर रोज के रोज हमारे मछुआरे मारे जा रहे हैं, बताइए ना मैडम। लेकिन क्या कोई एक इंसान भी नहीं है जो सवाल उठाए? अगर हमारे हीरो की फिल्म नहीं लगी तो मेरी महीने की कमाई का है मैडम, मेरे 245,000 हजम कर लिए। मैं क्या कोई मशीन हूँ जो इसके बच्चे पैदा करती रहूँ? मैं बाबा वीरभद्र हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ। मुझे मेरा पति भी चाहिए और मेरा बॉयफ्रेंड भी। हम वो नुमाइंदे हैं जो समस्या की जड़ तक जाते हैं। सारी समस्याओं का उपाय यहाँ है, इस मंच पर। सरकार चाहती है कि सब कोई नशेबाज हो जाए, इसीलिए तो स्कूल की बजाय जगह जगह वाइन शॉप खोल रखी है सरकार ने। आज लड़का अपने माँ को मार रहा है क्योंकि वो उसे नशे के लिए पैसे नहीं देती। कहाँ जा रही है युवा पीढ़ी? ये सिर्फ राम का अस्पताल है मैडम, हमने सिर्फ 300 रुपए नहीं दिए तो हमारे बच्चे को मरने दिया। मैं इसे प्यार करता हूँ। तुमने मेरी बच्ची को अगवा किया है। ये अपनी मर्जी से मेरे पास आई है। दिल्ली में किसी का रेप हो जाए तो सारा मीडिया इकट्ठा हो जाता है, जबकि इसी देश में 220,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये बेवफा औरत है, इसके कई लड़कों से संबंध है। हर बच्चा सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे भागता रहता है, उससे पूछे आखिर उसने सीखा क्या? मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को 17 लोग उठा के ले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाई मैडम। मैंने सब कुछ लुट जाने दिया सिर्फ एक समय के खाने के लिए, और मैं क्या करती मैडम? कसौटी पे कसेंगे तभी मारेंगे, क्योंकि यहाँ कहा जाता है सिर्फ सच। ये ठीक है ना? की ज्यादा हो गया? ठीक तो है सर। आखिरी लाइन फिर से प्ले कर। कसौटी पे कसेंगे तभी मारेंगे, क्योंकि यहाँ कहा जाता है ठीक सिर्फ सच। सर को दिखा दे जरा। सर नीचे आइए ना, उस किन्नर ने आसमान सर पे उठा लिया है। सर आसमान उठा लिया? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, आप आकर देखिए तो। अरे बहुत काम है यार। मैं उसे ऊपर भेजता हूँ, आप ही देखो क्या करना है। ए सुभाष। हेलो बाशा, गोद भराई के फंक्शन का सेट कंफर्म है, देखना सब टाइम पे हो जाए। मुझे डायरेक्टर साहब से मिलना है। क्या नाम है तुम्हारा? एमिली सर। नंबर क्या है? 9940575455। ठीक है, हम तुम्हें कॉल करेंगे, अब जाओ। आप कौन हो सर? ये डायरेक्टर के असिस्टेंट हैं। तू क्या इनका असिस्टेंट है रे? आप डायरेक्टर नहीं हो, ये किसको लेकर आया? मैंने डायरेक्टर बोला अरे था। जल्दी ही ये डायरेक्टर बनेंगे। ए, देखो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो पेपर लो, सारी डिटेल्स उसमें डाल दो, उसमें बताओ कि अगर तुमने कोई पुलिस केस किया है या नहीं वगैरह वगैरह, और उसके बाद उसे पोस्ट से भेज दो। ये पढ़ेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लगी तो बुला लेंगे। अभी निकलो यहाँ से, चलो। जा, अब चल निकल यहाँ से। अरे आपने तो हाथ में नहीं लगाया, फिर काय कौन हो रहा है? तुम कहते हो कि तुम लोगों की मदद करते हो, मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनते हो तुम। मुझे भगा नहीं चाहते हो यहाँ से? मैं नहीं जाऊंगी, डायरेक्टर को बुलाओ, मैं नहीं जाऊंगी। चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ। डायरेक्टर नहीं आएंगे, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। 3 सेक्स के भूखे आदमी धोखा देकर भाग गए, धोखेबाज कहीं के। 3 साल हो चुके, मैं जब भी अपनी बीवी के पास जाता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अच्छा ठीक है,
देखो कल हमारा शूट है, तुम्हारा नंबर है ना हमारे पास, जब शूटिंग नहीं होगी ना मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। कब तक कॉल करोगे आप? हाँ करूंगा करूंगा। अरे आप चलो चलो होगा ही ना बात, अब निकलो यहाँ से, चलो चलो। अरे चलो सर। सर कैसे तीन लोग वो भी किन्नर के साथ कैसे? हेलो सॉरी मैडम मैं कुछ काम कर रहा था। बेटे ये क्या किया तुमने? क्या हुआ मैडम? मैंने मोतियों के लिए कहा था ना, पीले मोती कहे थे मैंने, ऑरेंज टांग दिया गधे ने। डायरेक्टर से कहो मैं ये नहीं पहनूंगी। अरे मैडम वो तो मैं ठीक करवा चुका हूँ, कल के शूट की सारी तैयारी हो चुकी है। What? कल शूटिंग है? हाँ मैडम। अबे दिखता नहीं शूटिंग चल रही है। हेलो सॉरी मैडम, कल सुबह 8 बजे का शूट है मैडम। मैंने आपसे पूछकर ही कॉल टाइम लिया था। ओके अच्छा अच्छा, टॉपिक क्या है कल का? वो उस दिन जो औरत की कहानी थी ना मैडम, जिसको प्रेगनेंसी में पति ने पेपर लाया। हेलो हाउ आर यू? थैंक्स फॉर कमिंग, कांग्रेचुलेशंस। आई यू प्लीज। हाँ पेट में क्या? पेट में लात मारी थी, गोद भराई का फंक्शन नहीं हुआ था, हमने उसकी गोद भराई की सारी तैयारियां सेट पर की है। देखो फंक्शन के लिए कॉस्ट्यूम्स अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? अपने डायरेक्टर को बता देना, ब्लाउज परफेक्ट होनी चाहिए। ओके ठीक है मैडम, बाय। हाँ बोल आमिर तवल्ली, क्या बात कर रहा है? नमस्कार बेड टाइम क्वेरीज। नमस्कार मैडम, हमें अपना नाम और जगह बताइए प्लीज। मैडम हमारा बच्चा 1.5 महीने का हो चुका है पर हम अब भी कंफ्यूज है कि... कैसा कंफ्यूजन? आप जानना चाहते हैं कि आप कब संबंध बना सकते हैं, यही ना? यस मैडम। ठीक है डॉक्टर साहब जवाब देंगे। नमस्कार, आपकी डिलीवरी नॉर्मल थी या सिजेरियन थी? सिजेरियन थी डॉक्टर। 2 महीने का गैप तो होना ही चाहिए और फिर उसके बाद आपकी पत्नी की सेहत पर डिपेंड करता है। आप जल्दी ही दूसरे के प्रोसेस में लग सकते हैं सर। डॉक्टर साहब इस कॉल से पहले हम अंदरूनी ताकत बढ़ाने की बात कर रहे थे, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। कट इट मूर्ख, दिखता नहीं है ऑनलाइन है, पूरा टेक खराब कर दिया तूने। मारी यस सर। फैन आगे ले। हां ठीक है सर। थोड़ा मैडम के पास। सॉरी सर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो प्रेग्नेंट लेडी का शूट का हमने जो प्लान किया था ना वो। हां तो क्या हुआ? अरे आगे जाना यार। ओके सर ओके सर। वो हमने गोद भराई का प्लान किया था सर। हाँ जानता हूँ, तो उसकी डिलीवरी हो गई सर। डिलीवरी? हाँ डिलीवरी, शूट कल है और तू मुझे ये सब आज बता रहा है, मूर्ख। तो अब क्या कर सकते हैं बताइए ना सर। मुझे नहीं पता, ये शूटिंग होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, इस एपिसोड का टेलीकास्ट परसों है, समझे? आप निकलो यहाँ से। ठीक है सर। रेडी सर? बेबी रेडी? थोड़ा स्माइल के साथ। सभी दुकानें बंद हो चुकी है, अब ऐसे में मैं चूड़ियां कहां से लाऊं? अरे नहीं उसकी जरूरत नहीं है, गोद भराई कैंसिल हो गई है। जो भी होगा बाद में बताऊं। क्या शूटिंग कैंसिल हो गई? अरे नहीं शूटिंग कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ गोद भराई कैंसिल हुई है। जो तय होगा बताऊंगा। ठीक है ठीक है। सर एक किन्नर को 3 आदमी कैसे? देख तुझे गड्ढे में डाल दूंगा, तू बकवास मत कर, चल निकल यहां से। मुझ पे क्यों भड़क रहे हो, शूटिंग कैंसिल हुई तो? ये तू जाना क्यों खाली पीली? पैसे टाइम पे देते नहीं गुस्सा करते। ए सुभाष। हाँ वो चली गई क्या? वो तो कब की चली गई? अरे उसे बुला के लाना। मैं नहीं बुलाने वाला उसे। ए तुझे जो कहा जाए वो करना, तुम जाओ ढूंढ कर आओ। प्यारे दर्शकों जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि इस स्पेशल सांबर को पुरुष खाएंगे तो सब कुछ ठीक से काम करने लगेगा, है ना डॉक्टर? जी बिल्कुल। हमारे स्पेशल पाउडर को अच्छी मात्रा में डालना ना भूले। क्या है डॉक्टर? यहाँ सेट पर किन्नर आया था सर, वो कह रहा था कि उस पर 3 लोगों ने बलात्कार किया है और अब वो सड़क पर आ गया है सर। टेलीकास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कल शूटिंग भी हो जाएगी सर। सुपर आइडिया है, एकदम जोरदार। एक आदमी जो औरत बना, 3 लोगों ने बलात्कार कर उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया। इस स्टोरी को तैयार करो। ठीक है सर। सर देखो मैंने डायरेक्टर से बात की और वो तुम्हारी शूटिंग के लिए मान गए, तो बताओ किन्होंने तुम पर बलात्कार किया? अरे मेरे साथ नहीं सर, मेरी फ्रेंड है अरुवी। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया, आप बस भगाना चाहते थे मेरे को। अरे यार रवि सर को ऐसा लगा कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। वही तो सोच रहा था मैं सर, एक किन्नर को 3-3 कैसे? एक लेमन टी तक नहीं दे सकते तुम लोग, इतना घटिया प्रोडक्शन है, मूर्ख है सबके सब।
मैनेजर है तू, मन करता है एक रख के दूं। मूर्ख, क्या हुआ सर? वो अरे बोलो को भैया, बूथ बन के खड़े रहोगे, बोलो बोलो। सर वो तीन आदमी जिनके साथ, मेरा मतलब कि वो बलात्कार जो हुआ वो किन्नर के साथ नहीं हुआ, वो एक लड़की है सर। एक लड़की और किन्नर में तुझे अंतर नहीं पता तो पिक्चर कैसे बनाएगा? शक्ल देखी अपनी, परसों टेलीकास्ट करना या नहीं, मजाक समझ रखा है? आदमी है, औरत है या किन्नर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कहानी चाहिए। कल सुबह 10 बजे मैडम आ जाएंगे तो क्या करेंगे? अगर शूटिंग नहीं हुई ना तो कल सर मैं वो समझ गया सर। खाने भी नहीं देते मूर्ख। अब मैं क्या करूंगा, कल सुबह मैडम भी शूटिंग के लिए आ जाएगी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, अब क्या करूं? सर लड़की को केबिन में भेजो। ठीक है सर, आप अंदर जाओ। अंदर आओ, बैठो। कुछ खाया तुमने? बिरयानी है क्या? एक चिकन बिरयानी सर। क्या हुआ? दो दोस्त भी हैं। दो बिरयानी ले आना। तो वो तुम ही हो ना जिसके साथ तीन लोगों ने बुरा किया? ये सब टीवी पर आएगा, सारी दुनिया को पता चलेगा, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तीन दरिंदों ने एक सुंदर और मासूम की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है सर। तो फिर तैयारी करो। ठीक है सर, काफी लेट हो गया है, मुझे भी उन तीनों को शूटिंग पे लाना है। तुम लोग कैसे आए हो? कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, हम देख लेंगे। अगर चाहो तो डबिंग स्टूडियो में सो सकते हो। अच्छा बताओ मुझे कि वो लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या हुआ, सारी डिटेल्स बताओ मुझे। ओके सर। सर बोलने की जरूरत नहीं है, पीटर बुला सकती हो मुझे, ये है क्या? फिक्र मत करो, ये सिर्फ तुम्हारी रजामंदी ली जा रही है इस प्रोग्राम के लिए, फॉर्मेलिटी है। ओके पीटर। हेलो सर, मैं योर्स ट्रूली शो से बोल रहा हूँ सर। आपने एक लड़की की जिंदगी खराब की है सर, शूटिंग पे क्यों नहीं आएंगे आप? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं टीवी पर आपकी फोटो नहीं दिखाऊंगा। देखो ये तब तक पर्सनल था जब तक तुम्हारे बीच था, अब वो हमारे पास आई तो हमारी भी प्रॉब्लम बन गई, समझे? हाँ सर, मैं आपके फोन का वेट कर रहा था सर, तो आप कल आ रहे ना सर? ये आपके कामों से ज्यादा जरूरी है सर। देखिए ये कोई मजाक नहीं चल रहा, आपने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। अरवी देख तो ये लड़का कितना स्मार्ट है। शी, कुछ भी बोलती है। अच्छा लगा मुझे, ये कहने में डर है क्या किसका? अगर वो पुलिस के पास जाती तो क्या करते आप? क्या हुआ? दो तो मान गए हैं, बस दीक्षित धर मना कर रहे हैं। ये उसकी बीवी का नंबर है, कह दो अगर वो नहीं आया तो उसकी बीवी को बता देंगे। पीटर सर पहले खाना तो खत्म कीजिए। कहानियां तो तैयार है यार, मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा ना तभी कुछ होगा। अच्छा एक शॉर्ट फिल्म देखी है मैंने, एक मिनट होल्ड करना, सॉरी गलती से बटन दब गया था। वो अय्यर से बात कर ली है मैंने, वो कल आ जाएंगे, आप सो जाइए। सॉरी सुभाष उठ, चल चल जल्दी उठ, उठ रहे। हाँ बहुत मजा आया। गुड मॉर्निंग। लेट क्यों हुई? प्लान चेंज है, गोद भराई कैंसिल हो गई है, एक लड़की को तीन लोगों ने चीट किया, स्क्रिप्ट की तीन कॉपी करा लो। ठीक है जल्दी कर बादशाह। जयश्री स्टेटस। हाँ उसे रख दो वहाँ, ये पोजीशन ठीक है? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। चैनल की टीआरपी रेटिंग आ गई होगी। ओके सर। एक प्रिंट आउट मेरी टेबल पे रख देना। गुड मॉर्निंग सर। मैडम निकल गई? हाँ रास्ते में है सर। लड़की को रूम में भेजो। हाँ ओके सर। हाँ मैडम। डायरेक्टर आ गए, आपका वेट कर रहे हैं। अरुई डायरेक्टर सर ने बुलाया है। यस यहाँ बैठो। सेट पे लाइट कैमरा देखकर नर्वस मत होना, तुम्हारे सारे गुनहगार वहां पर होंगे। अगर तुम्हें वहां कोई उल्टा सीधा कहे तो बिल्कुल मत छोड़ना, डरना बिल्कुल मत, बोलना क्या औरतों का क्या मजाक समझ रखा है। वहां एक मैडम है, एकदम देवी,
देवी स्वरूप, उस वक्त उनसे बात करते समय अगर तुम्हें रोना आए तो खुल के रो लेना, कंधे का सहारा ले सकती हो, पैर में बैठ के रो सकती हो, जो तुम्हें आसान लगे करना। पैरों में गिर के दिखाओ। अरे करो ना, सोचो मत, इसके पीछे कारण है। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। पापा थी जी मैडम। पीटर को बुलाओ। ओके मैडम। मैडम ये स्क्रिप्ट। कल क्या कहा था मैंने? क्या हुआ मैडम? देखो ये ब्लाउज कितना लूज है, शॉर्ट के टाइम क्या इसे संभालती रहूंगी? अभी ठीक कराता हूँ मैडम, एक मिनट। जा। पीटर ये कितने नखरे करती है ना? बाप ने कहा था इंजीनियरिंग कर ले सुखी रहेगा, तो कॉस्ट्यूम तैयार कर। हाँ। सर थोड़ा कॉस्ट्यूम प्रॉब्लम हुआ था, आती होंगी। कितना टाइम लगा रही है यार, काफी पतले लग रहे हैं सर। पूजा कर ले मैडम। ओके सर। कैमरा रेडी, लाइट्स ऑफ। मैडम रेडी? हाँ रेडी हूँ सर। ए तू बैठना, बीच में मत बोल। कोई बात कर रहा है सर। साइलेंस। रोल। रोलिंग सर। एक्शन। कट 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 कट। किसका बजा? सॉरी मैडम, फोन किसका बज रहा है? सर माइक है सर। सर बियर की बॉटल दोबारा दिखना नहीं सेट पे। सारे मोबाइल बंद करो। रेडी मैडम? रोल। रोलिंग सर। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, साहित्य वेट ग्राइंडर्स प्रस्तुत करते हैं योर्स ट्रूली, को स्पॉन्सर बाय मालविका मोबाइल्स। ऑफर्स ऐसे कभी नहीं देखे होंगे जैसे। दोस्तों कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। आज महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं और हमें लगता है कि सोसाइटी आज बिल्कुल भी मेल डोमिनेट नहीं है, लेकिन आज हम आपको मेल डोमिनेटिंग का एक रूप दिखाएंगे। आज हमारे साथ एक पढ़ी लिखी खूबसूरत और बड़ी ही मासूम बच्ची है। इस मासूम बेटी के आंसू आज आपका दिल दहला देंगे, इसकी कहानी सुनकर आप रो पड़ेंगे। लेकिन आज हम जाने वाले हैं समस्या की जड़ तक। इस परेशानी का क्या हल हो सकता है, जानने के लिए देखिए ये प्रोग्राम। Got it. किसका फोन है? कहा था ना मोबाइल बंद। मैडम का फोन। उस लड़की को बुलाओ। नेक्स्ट शॉट तुम्हारा होगा, डरना नहीं। हाँ हाँ बोलो। नहीं एयरपोर्ट तो नहीं आ पाऊंगी, शूट पे हूँ। एक मिनट सर, पैकअप कब तक होगा सर? सिंगल एपिसोड है मैम, 4 बजे तक हो जाना चाहिए सर। 3:30 सर, घर पे कुछ काम है। ओके ओके कर देंगे मैडम। हाँ मैं आ जाऊंगी, तब तक तुम एयरपोर्ट से उसे ले आना। और हाँ उसका स्कूल भी तो चेंज करना है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। चलो जल्दी मिलते हैं, शॉट रेडी है, रखती हूँ, बाय। मैडम ये अरूवी है। अच्छा देखो, तुम्हें मेरे सामने बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बहन समझो और जो भी प्रॉब्लम है ना खुलकर बताना, ठीक है? ओके बैठ। लिप ग्लॉस। अरूवी जोर से बोलना, ठीक है? रेडी सर। रेडी। पीटर वो तीनों आदमी कहाँ हैं? वो रेडी है सर, अंदर बैठे हैं, जब भी बुलाएंगे आ जाएंगे। ओके रेडी। साइलेंस। रेडी मैडम। रोल। रोलिंग सर। एक्शन। सर कट कट प्लीज, क्या नाम बताया तुमने? अरूवी। रेडी सर। रोल। एक्शन। अरूवी, बहुत अच्छा नाम है, तुम खूबसूरत भी हो। इस सोफे पर बैठकर सिर्फ सच बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं। तो बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने पेरेंट्स के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ रहने चली गई। दोस्त मतलब लड़का है या फिर लड़की? एक ट्रांसजेंडर है मैडम। कोई बात नहीं, आजकल ट्रांसजेंडर्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। मैडम मुद्दे पर आइए। खैर इस बात को रहने देते हैं, तुम बताओ फिर आगे क्या हुआ? 3 आदमी थे मैडम। शुरू में तो मेरे साथ वो बहुत अच्छे से रहे, मैं अपने पेरेंट्स से दूर थी ये जानने के बाद उन्होंने मेरी बहुत केयर की। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ वो ऐसा कुछ करेंगे। उन्होंने मौके का फायदा उठाया, मेरे करीब आए और मुझे धोखा दिया मैडम। कौन है ये 3 लोग और तुम कैसे जानती हो इन्हें? उनमें से एक तो मेरे सहेली के पापा है मैडम, दूसरा एक आध्यात्मिक गुरु है और तीसरा मेरा बॉस जिसने बुरे समय में मेरा साथ दिया। ये क्या कह रही हो, विश्वास ही नहीं हो रहा। दोस्तों माँ बाप से अलग होकर एक लड़की का अकेले जीवन जीना क्या इतना मुश्किल हो चुका है? क्या हमारा समाज एक लड़की को इसकी इजाजत नहीं देता? तो जवाब मिलता है बिल्कुल भी नहीं।
ये एक अबला है, बेचारी है, इसे लूटने वाला और कोई नहीं बल्कि इसके अपने करीबी हैं, और वो तीनों आज यहीं पर हैं। हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे इस प्रोग्राम में, जो है साहित्य वेट ग्राइंडर प्रेजेंट्स योर ट्रूली, को स्पॉन्सर बाय मालविका मोबाइल्स। ऑफर्स ऐसे देखे नहीं होंगे जैसे। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। कट इट। ओके मैडम। ए सुभाष कहाँ है? जी सर। कहाँ था तू? तूने मुझे चाय क्यों नहीं पिलाई? आप ही ने तो बोल दिया कि बाहर बैठो। जबान लड़ाता है। चल चाय लेकर। ठीक है सर। उन तीनों को लेके आओ। ठीक है। पीटर चलो। हाँ। मैडम को सीन समझाते हैं। जी सर। मैडम ये अगला सीन है। वहाँ तीन लोग बैठे होंगे जिन्हें आपको बोलने के लिए उकसाना है। पूछेगा कि क्या उन्होंने औरत को कमजोर समझ रखा है। अगर हम उन्हें उकसा सके तो इस लड़की के लिए जरूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे मैडम। वैसे लॉजिकली तो वो तीन तीन मर्दों के साथ रही है, वर्जिन तो होगी नहीं। उसे भी थोड़ा खुरे दिएगा, रोएगी तो सारी भड़ास उन्हीं मर्दों पे निकालेगी। फिर तीनों ही अपना आपा खो देंगे। हो सकता है कि उनमें से कोई उसे थप्पड़ भी मार दे। आपको रोकना नहीं है, झगड़ा बढ़ने देना, और अगर कुछ हुआ तो हम बीच में आ जाएंगे। लिप ग्लॉस। आपको उन्हें तब तक उलझाते रहना है जब तक कि वो अपनी सभी बातें उगल नहीं देते। ठीक है मैडम? इस सीक्वेंस से हमारी टीआरपी बढ़ेगी। ओके मैडम? सर मैं शार्प 3:30 को निकल जाऊंगी। नो प्रॉब्लम मैडम। 4 घंटे के 30,000 लेते हैं और नखरे देखो कितने। क्या है सर? कॉफी लीजिए। मूर्ख, मैंने चाय कहा था। ध्यान रखना अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मत लेना। ठीक है। ए पीटर, बाहर निकल। एक्शन। साहित्य वेट ग्राइंडर प्रेजेंट्स योर ट्रूली कार्यक्रम में नमस्कार। बताइए अपने बारे में। नमस्ते मैडम, मेरा नाम अरुल मणि है, रियल एस्टेट का बिजनेस है। मैं वीएम के पार्टी का सेक्रेटरी हूँ। आम जनता की मदद के लिए मैं बहुत से सामाजिक काम करता रहता हूँ मैडम। अभी मैं स्लम एरिया में काम कर रहा हूँ उनकी भलाई के लिए। तो आप समाज सेवी के रूप में भी काम करते हैं? यस मैडम। समाज सेवा के नाम पे एक लड़की की इज्जत से खेल बैठे? अरवी और उसका दोस्त जो किन्नर है ना, वो दोनों आए थे मेरे ऑफिस में हेल्प मांगने। मैंने उन्हें टेलरिंग क्लास करवाई और दोनों को काम करने के पूरे 3,000 रुपए दिए, वो भी हर महीने के। वो लोग बहुत खुश थे। अचानक एक दिन आके कहने लगे मेरे पापा बीमार हैं, उनकी बाईपास सर्जरी है, ऑपरेशन के लिए उसे 1,00,000 रुपए चाहिए थे। मैंने उसकी मदद की। उसके बाद मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा। एक मिनट, जब एक बेचारी लड़की आपसे मदद के लिए पैसे मांगती है तो आप उसे पैसे देने से मना भी तो कर सकते थे, लेकिन आपकी नीयत तो कुछ और ही। देखिए मैडम, मैं आपकी हर बात में हाँ नहीं कहने वाला हूँ। मैंने आज तक कभी भी उन पैसों का जिक्र किसी के सामने नहीं किया। आप ये बात क्यों नहीं समझती हैं? हमें पता है आपने मदद क्यों की, और ये भी पता है कि आपने पैसे वापस क्यों नहीं लिए। क्या पता है आपको? क्या पता है आपको? चुप रहिए, आप शांत रहिए। एक इज्जतदार आदमी को बुलाकर उसकी बेइज्जती कर दिया, ये गलत है। दोस्तों आइए अब हम दूसरे की बात भी सुन लेते हैं। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार, बैठिए बैठिए। बताइए स्वामी जी, आपकी तो आभाई निराली है, कहिए क्या कहना चाहते हैं? निरंकार आकार निर्ममः समदुःख समस्या निर्वाणः, अर्थात सुख और दुख को समान रूप से देखना चाहिए, क्योंकि दुख भी उसने ही दिया है और सुख भी उसी ने दिया है। यदि आपकी आत्मा सुख और दुख से ऊपर उठ जाए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। भक्त को सिर्फ भक्ति भाव रखना चाहिए। हमारे यहाँ अध्यात्म और आयुर्वेद का एक उत्तम सम्मिश्रण है, और विदेशियों ने उसे थोड़ा सा पढ़ के रेकी, रिफ्लेक्सोथेरेपी और टेस्ट थेरेपी के नाम पे काफी पैसा कमाया। इन सभी विधियों में उपचार का माध्यम सिर्फ टच यानी स्पर्श रहता है, और ये सभी विधियाँ मैं भी करता हूँ लेकिन जनोपकार के लिए। अच्छा स्वामी जी, अरुवी के साथ आपका क्या रिश्ता है? वो बेहद शांत स्वभाव की थी। हर शुक्रवार को वो मंदिर में आती और प्रसाद ग्रहण करती थी। यदि उसने मेरे उपदेशों पर ध्यान लगाया होता तो उसका भला अवश्य होता, परंतु नहीं। फिर एक दिन वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने समझाया कि बेटा, इस संसार में सभी प्राणी दुखी हैं, और उस दुख का कारण है हमारे शरीर में स्थित आधार चक्रों में होने वाली अस्थिरता। मैंने कहा, तुम्हारे चक्रों में बहुत ज्यादा अस्थिरता आ चुकी है, तो मैंने कहा कि तुम ठीक हो सकती हो यदि तुम नियमित रूप से मेरे 10 प्रवचन सुनो। और वो आई भी, उसने मेरे 4 प्रवचन सुने और उसके बाद मुझे वो यहाँ घसीट लाई। मैडम, अध्यात्म के नाम पे किसी बेचारी बच्ची के साथ रिश्ता बनाना क्या गलत नहीं है स्वामी जी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, हमारा किसी तरह का कोई संबंध हुआ ही नहीं। मैंने तो सिर्फ उसके उपचार के लिए कार्य किया। उपचार के नाम पे क्या किया है आपने? उसने आरोप लगा है कि आपने उसे हिप्नोटाइज करके बलात्कार किया है। मैडम ये बताइए, यदि डॉक्टर अपने औजारों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो सर्जरी कैसे कर पाएगा? बोलिए, क्या ऐसे इलाज संभव है? ईश्वर के आशीर्वाद से मैं यथासंभव जनमानस की मदद करता हूँ। मुझ पर संदेह करना मतलब स्वयं ईश्वर पे संदेह करना पाप है। प्रवचन अच्छा देते हैं स्वामी जी, मैं फिर बात करूंगी आपसे। आप शुरू से ही कुछ बेचैन दिख रहे हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। रोना बंद कीजिए सर, रोना बंद कीजिए सर। मेरा नाम जोसेफ मोहनदास है मैडम, मैं फोर्स शोरूम में एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ। शादी के 5 साल बाद ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मेरी एक बेटी है जेसी। आप अरुवी को कैसे जानते हैं?
मेरी बेटी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। आपकी घिनौनी हरकत की वजह से आपकी बेटी ने भी आपसे बात करना बंद कर दिया। साफ साफ बताइए सर, आप अरूवी को कैसे जानते हैं? दरअसल वो मेरी बेटी जेसी की क्लासमेट है। उसके घर वालों में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मेरे ही घर में रह रही थी। वो मेरी बेटी जैसी है मैडम। वो आपकी बेटी जैसी है पर बेटी नहीं है, इसलिए ऐसी हरकत की। किस तरह के आदमी हैं आप, इस उम्र में ऐसी घिनौनी हरकत करते शर्म नहीं आती? सरकमस्टेंसेस, सिचुएशन और शराब। मैडम कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनसे बोलिए ना थोड़ा साफ साफ बोलें। ओए, ये फिल्म की कहानी थोड़ी सुना रहा है, ये खुद शर्मिंदा है। ऐसे रोने से किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। कैमरे की तरफ देख के बोलिए ना जो भी कहना है। सर सॉरी सर, एक और। हाँ, रन थ्रू टेक चालू है। सर वन मिनट सर, पापा थी ग्लिसरीन। रेडी सर? रेडी सर। रोल एक्शन। ये क्या सर, आप एक बच्चे की तरह क्यों रो रहे हैं? आपने अपनी बच्ची की उम्र की लड़की के साथ अत्याचार किया है, इंसानियत है कि नहीं? ये कानूनन अपराध है, आप जानते हैं? मैडम ब्रेक लीजिए। दोस्तों मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही हूँ। आगे सुनेंगे उस मासूम बच्ची की कहानी जो हमारे स्टूडियो में न्याय मांगने आई है। आप इस वक्त देख रहे हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है योर्स ट्रूली, स्पॉन्सर्ड बाय साहित्य वेट ग्राइंडर, को-स्पॉन्सर बाय मालविका मोबाइल्स। ऑफर्स ऐसे कभी नहीं देखे होंगे जैसे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Got it. पापा दी। जी मैडम, जूस लेकर आना। लड़की से मेरी बात करो। रुको, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तुम विजय सेतुपति को जानती हो? मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे लेकर एक फिल्म करने वाला हूँ। निलंकर ही जानती हो ना, वहां प्रोड्यूसर का बंगला है और उसमें ऑफिस है मेरा। उसमें एक रोल है हीरोइन की दोस्त का। तुम्हारे जैसे चेहरे की तलाश थी मुझे। सैटरडे फ्री हो ना? अपना फोन नंबर दे दो। हाँ बोलो। 7884542501। वीकेंड में फोन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। बादशाह क्या कर रहा है, टेबल सेंटर में लगा। ए, बाकी लोग फ्रेम से बाहर निकलो। एंगल का ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए? सब रेडी? मैडम मेंटेन द मूड। साइलेंस। रोल। रोल। बबन सो रहा है क्या? रोल कहा ना? रोलिंग सर। एक्शन। अरवी देखो, मैंने इन तीनों से काफी देर तक बात की, ये कहते हैं इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। अब बताओ क्या करना है इनका, पुलिस कंप्लेन करूं क्या? तुम ही बताओ। ऐसा कुछ नहीं करना मैडम, इनको अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। अपनी ज़बान बंद कर, क्या बक रही है? हम क्यों माफी मांगेंगे? हमें जेल भेजने की धमकी देती है, हम इससे क्यों माफी मांगेंगे? क्या मजाक चल रहा है? सॉरी। ए तू बैठना, बीच में मत बोल। सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा क्या? तुम यहाँ न्याय की गुहार लगाने आई थी, सारा हिंदुस्तान देख रहा है तुम्हें। तुम्हें जो भी इनसे पूछना है पूछो, जो सवाल है करो इनसे। मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना मैडम, कुछ कहना है। बिल्कुल कहो, देश की बेटी हो इसलिए निडर होकर कहो। मुझे एड्स है मैडम। ये है मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो बताते हैं कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। ये मेरी दवाइयाँ हैं और ये उनके बिल्स है जहाँ मैं इलाज के लिए रुकी। और ये स्किन पैचेस सबूत हैं। मुझे 2 साल से एड्स है, क्योंकि ये मेरे साथ सोए हैं तो मुझे लगता है इन्हें भी एड्स होगा ही। बचपन से ही मैं थोड़ी सेंसिटिव थी मैडम। 2 साल पहले मुझे मलेरिया हुआ तो मुझे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। वहीं उन्होंने मुझे टेस्ट किया और पता चला कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। ये मुझे कैसे हुआ नहीं पता। डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत रेयर केस है, शायद मुझे एक्सीडेंटली HIV हो गया। मेरे आसपास के लोगों ने सोचा कि ये सेक्स की वजह से हुआ है और मुझसे बात करना बंद कर दिया। मेरे माता पिता और भाई को ये सच्चाई पता थी, लेकिन उन्होंने भी मुझ पे यकीन नहीं किया। मेरे शरीर में तरह तरह के बदलाव हो रहे थे, मैं कॉलेज भी पूरा नहीं कर सकी। मेरे घर वालों ने सोचा कि मैं गलत काम करके आई हूँ। मुझे घर छोड़ देने के लिए कहा गया। तब मैं जेसी के घर पे गई, वहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रह सकी। फिर मैं एक NGO कैंप में कुछ दिन रही, वहीं मेरी एमिली से मुलाकात हुई। वो भी HIV पॉजिटिव थी। इनसे कहिए किसी डॉक्टर को जल्दी दिखाएं, जितना जल्दी करेंगे इनके लिए उतना ही बेहतर होगा मैडम।
रोल हो रहा है सर, कट गई है सर। कट इट, 15 मिनट्स ब्रेक। वाले पेशेंट के साथ शूट करवा रहे हैं सर, उसने मुझे छुआ है, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? ये छूने से नहीं फैलता मैडम, आप परेशान मत होइए प्लीज। पीटर, उसे ले आते हैं। सर, तुम बिना केस स्टडी किए उसे शूट पर क्यों लाए? सर, उसने मुझे सब कुछ बताया था, इसे छोड़कर। शट अप, अब क्या करें? मैडम, हम ट्रांसजेंडर्स के लिए बोलने वाली आप पहली मैडम है। कल वो ही कहेंगी, शक्ल देखी अपनी। अरे मुझसे सड़ी शक्ल है तेरी, बात करती है। सर, एपिसोड अच्छा बन रहा है, टीआरपी का सवाल है, कंटिन्यू करते ना सर। सबकी हवा टाइट हो गई। हमारे सेट पे डॉक्टर्स को बुलाया गया है ताकि इन तीनों मर्दों का एचआईवी टेस्ट जल्द से जल्द हो सके। डॉक्टर्स आ चुके हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें भी रिजल्ट का इंतजार रहेगा। तब तक एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। तुम्हारा नाम? अरुवी। एज 24। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। क्या साइन कर दीजिए? सर, एक बज चुका है सर, 3 बजे निकलना है। मैडम, रिजल्ट आ जाए तो हम लड़की का मोटिव पूछकर एपिसोड को यहीं टू बी कंटिन्यू करके खत्म कर देंगे। आप लंच करके निकल जाइएगा। सर, आप लोग अंदर बैठिए सर। डॉक्टर अंदर ही है ना? सर, हाँ वो अंदर है। ये लोग यहाँ बैठे क्यों रो रहे हैं? अंदर ले जाओ। हाँ, हाँ, ओके। आरवी एचआईवी पॉजिटिव है सर, सीरियस एड्स कंडीशन, बाकी सबका नेगेटिव है। ये क्या कह रहे हैं? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है सर, भगवान इतना भी निर्दयी नहीं है कि इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे। इतना क्यों सोच रहे हो सर? अच्छा मैं चलता हूँ, हमको भी उनके बारे में बताइएगा। ओके सर। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है सर, एक भी एपिसोड मिस नहीं करते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। आपने बुलाया सर? टेस्ट का रिजल्ट आया है, तीनों को एड्स नहीं है। इस रिजल्ट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझा? अभी के इमोशन के साथ कंटिन्यू करेंगे और एपिसोड को अगले हफ्ते तक खींचेंगे। फिर अगले ही एपिसोड में हम इनके टेस्ट रिजल्ट को अनाउंस करेंगे, हैप्पी एंडिंग भी मिल जाएगी। सर, उन्हें बता देते हैं, ऐसा नहीं करते सर, वो बेचारे सहमे हुए बैठे हैं। चुप कर यार, अब जा। और सुन सर, मैडम को बोलना शॉट रेडी है। ओके सर। टेक करते मैडम। मैडम लड़की पर बरस पड़ी है। रेडी रेडी सर, जिमी और क्लोज होने चाहिए। जिमी नहीं चाहिए बे। रेडी रोल। रोलिंग सर। एक्शन। दोस्तों, एक अप्रत्याशित घटना ने इस एपिसोड को सनसनीखेज बना दिया है। इस लड़की ने इन तीनों मर्दों की जिंदगी में नाजायज संबंध की आड़ में एड्स नामक जहर घोलने की पूरी कोशिश की है। एचआईवी टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों को एड्स है या नहीं। डॉक्टर्स फिलहाल इन तीनों का टेस्ट कर रहे हैं, जब तक रिजल्ट आता है तब तक ये तीनों पुरुष और भोली भाली दिखने वाली ये जालिम अरुवी हमारे साथ ही रहेंगे। आगे बोलो। एड्स की दुनिया में आपका स्वागत है, आप तीनों मरने वाले हैं। बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है ये कोई हॉलीवुड फिल्म है? हॉलीवुड फिल्मों में तो ऐसा ही होता है, एक विलेन वायरस बनाता है और वो वायरस सारी मानव प्रजाति को नष्ट कर देता है। क्या बक रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? आप कैसे बताओ मैडम, आप समझ ही नहीं रही हैं। मैं सब समझती हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो? Action. देखो मैं सब समझती हूँ, तुम मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो, किसी अच्छे साइकिक इंस्टीट्यूट में तुम्हारा इलाज हो सकता है। ओके, एड्स पेशेंट को लेते हैं क्या मैडम? तीन तीन लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है, तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं? कैसे बातें कर रही हो तुम? सॉरी मैडम, बताइए, आराम से पूछे ना, मैं जवाब देती हूँ। कट मेकअप। सर इतनी जोर जोर से मत रोइए, माइक में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, समझिए मेरी बात को। जल्दी करो। हेलो मैडम, को इतना परेशान मत करो। मैंने तो सिर्फ माफी मांगने के लिए कहा सर, पर ये तो मुझ पे गुस्सा ही हो रही है। मैं तो आराम से ही बात कर रही हूँ, ये मुझ पे चिल्लाए जा रही है। मैं चिल्ला रही हूँ? झूठ बोलती हो, बॉम्ब फोड़ा इसने, वायरस फैला रही है। सर आप मेरी जान की भी तो परवाह कीजिए सर। ओके मैडम, ओके, कूल कूल, टेक करते हैं। रोल 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 सर, रोल रोल, मेरे सर पर मत चिल्लाइए। सर आपकी क्या प्रॉब्लम है? टेस्ट रिजल्ट। बैठ जाइए सर, बता देंगे, अभी जान मत खाइए। सर सॉरी सर, 1 मिनट। नो प्रॉब्लम मैडम। रोल। रोलिंग सर। मैडम रोलिंग। मुझे पता है। तो बताइए मिस अरुवी,
आपने इन तीनों की जिंदगी क्यों बर्बाद की? इनमें एड्स फैला के आपको क्या मिला? मैंने इन्हें एड्स नहीं दिया, इनमें से दो ने मेरा रेप किया, अपनी कब्र इन्होंने खुद ही खोदी है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करती? तुमने इन्हें साफ साफ क्यों नहीं बताया कि तुम्हें एड्स है? मेरा मन नहीं हुआ बताने का। ये कैसा जवाब है? अगर बता देती तो इन तीनों की जान बच सकती थी ना। कैसे? कैसे मार डालूंगा तुझे। ये कैसी बातें कर रही है तू? शांत हो जा। मैडम आप इसकी बातें क्यों सुन रही है? गलत बोल रही है ये। मैं सवाल पूछ रही हूँ ना। इसकी बातों को मत सुनिए। मैडम बेकार की बहस मत कीजिए, इनको कहिए मुझसे सिर्फ माफी मांगे। अरुवी आखिर किस तरह की लड़की हो तुम? चुड़ैल या फिर चालाक? और ये क्यों माफी मांगेंगी? ये तो खुद पीड़ित है। बाप की बीमारी का बहाना करके तुम खुद पैसों के लिए गई थी ना। हाँ मैडम। हाँ तो क्या? मैं वर्जिनिटी की फालतू बकवास में यकीन नहीं करती। किसी लड़की को मजबूर कर दिया जाए तो वो कर क्या सकती है? बेटी की सहेली को सोती हुई हालत में छूना, जो पेशेंट साहब पर भरोसा करते हैं उन्हें हिप्नोटाइज करना और मदद मांगने आई लड़की पर बुरी नजर रखना, इनके साथ और कैसे पेश आया जाए? थूक देती, मार देती, पेपर स्प्रे यूज कर लेती, उसके बाद ये मुझे जाने देते क्या? इन्हें जो करना है वो करके ही रहते। ये पॉलिटिशियन तो मुझे मार ही डालता ना। और क्या ये मुझे 1,00,000 रुपए दे देता अगर मैं इसे बता देती कि मुझे एड्स है? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। इन लोगों से माफी मंगवाने के बजाय तुम एक लड़की की पवित्रता की दुहाई दे रही हो। किस तरह की औरत हो आप? दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुम मर रही हो तो क्या सबको मार डालोगी? पता भी है जिंदगी क्या होती है? इसकी अहमियत समझती हो तुम? बिल्कुल नहीं। मैडम अभी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक करते हैं। मैडम मैडम ब्रेक ले लो। भगवान में विश्वास करती हो? अगर करती तो कुछ भी बुरा करने से पहले 10 बार सोचती। किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। तुम्हारा कोई परिवार तो है नहीं ना, इसीलिए ऐसी आवारा हो गई हो। कितनी बेशर्म हो। प्यारे दोस्तों मुझसे तो इस लड़की की ओर देखा भी नहीं जा रहा। देखो तुम भगवान को नहीं मानती, अपने माँ बाप का कहा नहीं मानती, पर समाज तो है ना। और अगर तुम्हें इस समाज में रहना है तो समाज के सारे नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, और तभी तुम इस समाज में खुशहाल जिंदगी बिता सकती हो। क्या तुम इस समाज में हंसी खुशी जिंदगी बसर नहीं करना चाहती? इस तरह घूर क्या रही हो? बोलती क्यों नहीं? जवाब दो ना। खुशी के मायने क्या होते हैं? क्या आप सब खुश हैं मैडम? क्या आप समाज के दायरे में पिस कर खुश रह सकते हैं? ये समाज आपको सिखाता है झूठ मत बोलो, गलत मत करो, दूसरों को तंग ना करो, हमेशा ईश्वर पर भरोसा करो। क्या ये सब करके हम खुश रह सकते हैं? अगर इस समाज में खुश रहना है तो सिर्फ इन चीजों को मान के काम नहीं चलता, इससे भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। एक परिवार, बच्चे, खुशहाल फैमिली, एक अच्छी पगार वाली नौकरी, 3 वक्त का खाना, खुद का घर, उसके बाद टीवी, उसके बाद एक LCD टीवी, उसके बाद एक LED टीवी, और उसके बाद एक होम थिएटर भी, एक गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, उससे भी बड़ी गाड़ी, और फिर एक लग्जरी गाड़ी खरीदना। फिर आती है बच्चों की पढ़ाई। गवर्नमेंट स्कूल से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल, DAV या डॉन बॉस्को। नहीं, मैं तो अपने बच्चे को सिर्फ बिलाबोंग में ही पढ़ाऊंगी। परिवार को खुश रखने के लिए हफ्ते में एक बार खाने पीने के लिए बाहर लेके जाओ, शॉपिंग मॉल ले जाओ, किसी अच्छे से सिनेमा में पिक्चर दिखाओ। टिकट कम से कम 120 रुपए, और आजकल तो सारी पिक्चरें बकवास है। एक परिवार 1,000 रुपए पिक्चर में बर्बाद कर देता है जिसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, हमें तो वो पिक्चर देखनी ही है चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए। इसके अलावा कपड़े, जूते, ये सब तो खरीदने ही है। कितने खरीदने हैं, क्यों खरीदने हैं, ये कभी सोचते नहीं है। दूसरे खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदना है ही। आप जहाँ भी हो आपको चारों ओर से बताया जा रहा है, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, सड़कों पे। सड़कों पे दुकानें हैं और दुकानों में इश्तेहार मिलते हैं। इश्तेहारों पे लिखा होता है ऐसा ऑफर जैसा कहीं नहीं मिल पाएगा। इसी से आप चीजें खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और ये सब किसके लिए? पैसे के लिए। सोसाइटी कहती है अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ही तुम्हारी इज्जत होगी। सिंपल, चाहे कुछ भी काम कर लो, छीन लो, किसी और की थाली से उठा लो, गुलाम बन जाओ, किसी को मार दो, बलात्कार कर दो, जितना ज्यादा बेवकूफ बना सकते हो उतना बनाओ, तभी तुम बड़े खिलाड़ी माने जाओगे। करोड़ों अरबों का घोटाला करो फिर भी कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, बस पैसे कमाने से मतलब है। क्योंकि इस सोसाइटी में एक ही रूल लागू होता है, ये समाज आपकी तभी इज्जत करेगा जब आपके पास पैसे और पावर हो। सिंपल, आपके पास अपना घर नहीं है, बीवी से झगड़ा होता रहता है, आपके रिश्तेदार आपकी इज्जत नहीं करते, आपके माँ बाप, भाई बहन कोई भी नहीं, और पैसे नहीं होंगे तो बच्चों की शादी कराना भी मुश्किल हो जाएगा। कहाँ जाके कमाऊँ मैं और किस लिए कमाऊँ मैं? ढेर सारे कपड़ों के लिए, एक घर के लिए, 4 लाख की गाड़ी के लिए, या फिर 120 रुपए की बकवासी पिक्चर के लिए? ये सब मेरी जरूरतें नहीं है। तो फिर ये किसकी जरूरतें हैं? उन रईस जादों की जिन्हें नौकर चाहिए, और हम वो नौकर हैं जो इनकी जरूरतें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। फिर भी हम टीवी देखते के आकर्षित होकर वही चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, और हम ये भूल जाते हैं कि हमने वो चीज आखिर खरीदी ही क्यों। हम फिर से पैसे कमाने में जुट जाते हैं इसलिए कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी जीनी है, और अगर हम यूं ही लगे रहेंगे तब जाकर अमीर लोग खुश होंगे। भगवान ने हमें सिर्फ इन्हें खुश करने के लिए बनाया है।
इन सामाजिक मापदंडों की जरूरतों की पूर्ति में ही हम मर जाते हैं, सिर्फ तभी ये सोसाइटी आपको और आपकी परिवार को अपनाती है। और अगर आप इस तरह समाज को खुश रख सकते हो तभी आप इस समाज में जी सकते हो। और इस तरह जीते जीते इंसान कई बार मर जाता है और उसे लगता है कि वो खुश है। जिस तरह तुम यूं ही मर जाते हो उसी तरह तुम एड्स से भी मर सकते हो। दोस्तों मुद्दा यहाँ भटक गया है। आप देख रहे हैं योर्स ट्रूली स्पॉन्सर्ड बाय साहित्य वेट ग्राइंडर को स्पॉन्सर्ड बाय मालविका मोबाइल ऑफर्स ऐसे कभी नहीं देखे होंगे जैसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये कैसी बदतमीजी है, मैं बात कर रही हूँ और तुम यहाँ से जा रही हो। मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है, अब इनसे कहो कि मुझसे माफी मांगो। सर इस लड़की को हटाइए यहाँ से। पापा जी बैठ जाइए। मैडम बैठ जाइए। टीचर तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? लड़की को फॉलो कर और कैमरा मैडम के ऊपर। इस लड़की को हटाओ यहाँ से। ये कहाँ जा रहा है? जयश्री सर बिठाओ ने। सर सर प्लीज बैठ जाइए। प्लीज चल निकल। क्लोज अप ले, क्लोज अप। फॉलो मैं जा रहा हूं। सर सर क्या हो रहा है? सर प्लीज बैठिए ना। सर ये हो क्या रहा है यहाँ? सर प्लीज मान जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ए कहाँ ना जाए यहाँ से, चल निकल यहाँ से। सैटरडे फ्री हो गया? हाँ देखो बेटा पप्पा इधर है। अरवी बेटा। अरवी मेरे दादाजी की असली ये सब इस घर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वेलकम। अरवी मेरी बेटी जैसी है। फिक्र मत कर। मार डालूंगा, कुछ भी बकवास कर रही है कब से। मैं तुम्हारा उपचार करूंगा, नाजायज संबंध जैसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारी ही जैसी कोई। मेरे पैरों पे गिर के दिखाओ। सैटरडे फ्री हो गया? देखो मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझना। मुझे कैसे एचआईवी पेशेंट को यहाँ लेकर आते हैं सर? शक्ल देखिए अपनी, मुझे परेशान करने के लिए ऐसे लोगों को क्यों लाते हैं सर? कहाँ ना निकल यहाँ से। मैं बात कर रही हूँ ना, तू उठी कैसे? बता चीख क्यों रही है? हाँ बोल, बोल अब। यार, इनको बोल मुझसे माफी मांगने के लिए। चल बोल अब। वहाँ क्या भीड़ लगा रखी है? पीटर फ्रेम से बाहर निकलो अभी। बुद्ध बने खड़े हुए सारे के सारे बेकार लोग हैं। अरे कैमरा फॉलो करना। मूर्ख समझते ही नहीं, बेकार है सबके सब। मौके की नजाकत ही नहीं समझते मूर्ख। समझ में नहीं आ रहा क्या? सुभाष और सिक्योरिटी गार्ड को अंदर बुला लो। आते हुए दरवाजा बंद कर देना। नहीं बंद करना, नहीं 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 नहीं। सब लोग अपने मोबाइल और आईडी कार्ड यहाँ जमा कर दो, जल्दी। सुन नहीं रहे हो क्या? सबको मरना है क्या? चलो ये लो, बांध दे। ये ले, इसे तू ही पकड़। सुभाष इधर आओ, ये इन लोगों को दे दो। तुम तीनों एचआईवी नेगेटिव हो। डायरेक्टर और पीटर ने यह जानकारी तुम सबसे छुपा के रखी एपिसोड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तुम लोगों को कोई परवाह नहीं है ना किसी की, सिर्फ अपनी एपिसोड की पड़ी है। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है?
मैं इस बीमारी की मुश्किलें जानती हूँ। कोई भी HIV पॉजिटिव पेशेंट इसे फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। तुम लोगों ने जो किया गलत किया। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम लोग सबके सामने इस शो में मुझसे माफी मांगो, पर सब गड़बड़ हो गया। आप लोगों को पता चला कि मुझे HIV है तो आप लोगों ने मुझे हीन भावना से देखना शुरू कर दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सिर्फ छूने से फैल जाती है। ये एक क्रॉनिक डिजीज है। ब्लड प्रेशर, हार्ट या डायबिटीज की तरह ये बीमारी भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट मरे ना कि बीमारी, तभी कमाई होती रहेगी। किसी को भी नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे मोबाइल यहां रखें, तुम सब लेके जा सकते हो। कहां जा रही है? वहीं रुक। हम सबका मजाक बनाकर इस तरह भाग रही है? कभी कहेगी एड्स है, कभी कहेगी नहीं है। इस बेचारे को गोली मार दी और अब यहाँ से भाग रही है। खुद तो डरपोक है और दूसरों को डराने चली है। छोड़ इसे। ए, ए, मैं कह रहा हूँ छोड़ इसे, छोड़ इसे, छोड़ इसे, छोड़ इसे, छोड़ दे। तेरी तो मुझ पर हाथ उठाती है, ये ले, हाथ उठाती है, और मारेगी मुझे, मारेगी मुझे, हाँ मुझे, ये ले, ये ले तो, ये ले, क्या समझती है अपने आप को? हाथ उठाएगी, ये ले, बड़ा शौक है तुझे हाथ उठाने का, समझती है अपने तो? मार दूँ? बोल मरेगा भी। क्या मैंने जानबूझकर गोली चलाई? मैंने सॉरी कहा ना? एमिली को कितना मारा तुमने, उसे कितनी चोट पहुंचाई? ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चल खड़ा हो, खड़ा हो। मैं तुझे गोली मार के आराम से जी सकती हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा। या तो तू मुझे रुला या तुम मर जा। यार अभी चलते हैं ना। कुछ तो बोलो, मैडम ने कुछ कहा है तुम्हें? बोलो ना। सॉरी, मारना मत, माफ कर दो, माफ कर दो। 5 मिनट है तेरे पास। जाने दो, जाने दो। या तो मुझे रुला या तो मर जा। यहाँ मैं अच्छा खासा छोड़ रही थी, इसकी वजह से फंस गए। ए, बोलना कुछ। देखिए मैडम, मुझे जाने दीजिए, मेरी फैमिली है। कोशिश करता हूँ मत मारना। बताता हूँ, एक बेबस लाचार लड़की को जब घर से निकाल दिया था तब वो बहुत बुरी तरह। ये कैसा शोर है? बेटी जाके देखो ये आवाज कहाँ से आई। सुभाष, सिक्योरिटी। हेलो, पुलिस स्टेशन। बैठ जा। इस सोफे पे सिर्फ सच बोलना होता है, झूठ बिल्कुल नहीं। ठीक है? ठीक है। आखिरी बार कब रोया था? मैं दो 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 महीने पहले रोया था मैडम। रोने का कारण बता और चला जा। एक दिन मेरी कजिन मारी ने फोन किया था। बोलते समय मत रोना। सॉरी। एक दिन मेरी कजिन का मेरे गांव से फोन आया था कि फल बेचने वाली नानी की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने कहा कि वो कभी भी मर सकती है, मुझसे मिलना चाहती है अगर मैं जा पाया तो। कौन है वो नानी?
हमारे गांव में वो फल बेचती थी, मैं बचपन से जानता था उसको। नाम? हमने कभी नाम पूछा नहीं और उन्होंने कभी बताया भी नहीं। सभी लोग उन्हें फल बेचने वाली नानी कहते थे। बहुत ही हसमुख थी वो, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और हर बार किसी चीज के बारे में बताती थी। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तो मेरा ज्यादातर वक्त उनके साथ ही बीता करता था। हमेशा वो हमेशा कुछ ना कुछ खिलाया करती थी मुझे। वो कटाई के समय कल्लातू डोसा बनाती थी। कल्लातू डोसा मतलब? कल्लातू डोसा मतलब दो डोसे के बीच में थोड़ा सा गुड़ डला होता है। मुझे वो खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। मैं उसे जो भी पैसे देता था वो बिना सवाल किए ले लेती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस रात सोने से पहले उन्हीं का ख्याल मेरे मन में आया। मारी का फोन आया, जिसका डर था वही हुआ। उसने कहा वो चल बसी। उसने कहा कि सब मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो मैं गांव चला गया। वहां अंतिम संस्कार का सारा खर्च मैंने किया। इन सारे कामों में पैसा तो लगता ही है। वैसे देखा जाए तो हमारी जाति में हम मुर्दे को दफनाते हैं, पर उस दिन गांव वाले उसे जलाने की सोच रहे थे। मैंने पूछा ये सब क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि आग से ही उनका जीवन हमेशा रोशन रहा है, इसीलिए उसे आग में अर्पित कर रहे हैं। ये सब सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। सारा गांव जमा हुआ, हमने चिता जलाई और उन्हें अर्पित कर दिया। ऊपर और नीचे लकड़ियों से तभी वो कुलाती डोसी में गुड़ की तरह लग रही थी। वो देख मेरी आंखें भर आई। मैं बहुत रोया था उस दिन। वाला लड़का अंदर ही है ना, जिसने फोन किया था? Yes, चलो निकलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। तू भी निकल बाहर। गुड मॉर्निंग सर। ऑफिस बॉय का नाम क्या है? सुभाष सर। मैं रविचंद्रन बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है? क्या चाहिए? टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूँ मैडम, केबल पॉइंट चेक करना है। ठीक है, आ जाइए। क्या हुआ बेटा? कुछ केबल का प्रॉब्लम है पड़ोस में। हेलो सर, कर्टन तो हटा हुआ है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आसपास किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग उन पर नजर रख रहे हैं। ओके सर। सुभाष, वो बियर की बोतल इधर लाओ, घुमाए से, ढंग से घुमा। तुम लोगों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। एक गेम खेलेंगे, अगर तुम ढंग से खेलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जब बॉटल तुम्हारी तरफ रुके तो मैं जैसा कहूं वैसा करना पड़ेगा, चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो। मैं जैसा कहूं वैसा करना। पहली गलती पे मैं वार्निंग फायर करूंगी और दूसरी गलती पर मैं सीधा सर में मार दूंगी। दूसरों के पीछे छिपो मत, सामने आ जाओ।
चलो यहाँ आओ। सात का पहाड़ा बोलो बिना रुके हुए। एक गलती करोगे तो मैं हवा में गोली चलाऊंगी, दूसरी गलती करोगे तो सीधा सर में मार दूंगी। सात का पहाड़ा मैडम? हाँ सात का पहाड़ा। एक मिनट है तेरे पास। ठीक है मैडम, ठीक है। सात सात चौदह सात इक्कीस सात चौक अट्ठाईस सात पचे पैंतीस सात छक बयालीस सात सत उनचास सात अठे सात अठे सात अठे सात अठे सात छक बयालीस सात सत उनचास सात अठे सात अठे सात अठे। छप्पन छप्पन सात अठे छप्पन सात अठे छप्पन सात दस सत्तर। पीछे जाके खड़ा हो जा। सुभाष चल बॉटल घुमा। पता नहीं अगला कौन है, सिक्योरिटी गार्ड तो मर ही जाएगा। सिक्योरिटी अंकल सात का पहाड़ा आता है क्या? चला जा। कल की बॉटल आज तेरा काल बन गई। मैं एक फिल्म का नाम बताऊंगी, तेरे पास एक मिनट है, एक्ट करके बताना है कि कौन सी फिल्म है, समझा? इधर आ। थ्री इडियट्स। मैडम बहुत मुश्किल है मैडम, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, कोई और पिक्चर बताओ ना। ना इधर का ना उधर का। मैडम मजाक मत करो ना मैडम, ऐसी कोई पिक्चर ही नहीं है। साहस। क्या मैडम, पहले वाला ही ठीक था, वो करके दिखा था मैडम, अब मत बदलना मैडम। किसको करके दिखाऊं? अरे माँ मर गया रे। डायरेक्टर को नहीं मैडम, पता होगा तो भी नहीं बताएंगे, मरवा डालेंगे। चल जा। जयश्री इधर आओ। ठीक से समझना, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। पिक्चर नहीं है ये पुरानी, कितने वर्ड्स हैं? शोले, धड़कन, बेशरम, मवाली, कमीने, बदमाश, आवारा। हीरो बताना यार, क्या हो सकता है? सलमान खान? अच्छा तो शाहरुख खान है क्या? अरे कुछ करना यार, एक क्या कर रहा है? कार, कार रेस, एक्सेलरेटर का वायर मुंह में। आमिर खान, धूम थ्री है ना? हीरो आमिर खान, लेकिन धूम थ्री नहीं, गुलाम, बाजी, सरफरोश, गजनी, मन, दिल, राख, पीके, परंपरा। अब क्या कहूँ, सारी मूवीज के नाम तो हो गए, अब कौन सी मूवी बची है? आमिर की मूवी और अच्छी मूवी, क्या कहूँ? तलाश। ए ढंग से करना, क्या कर रहा है? सेक्स, टाइम जा रहा है, जल्दी कर। फैन, विंग्स, हेलीकॉप्टर, आमिर खान हेलीकॉप्टर, लोगों की हेल्प करना। पक्का आमिर की है ना, इमरान हाशमी की तो नहीं है? नहीं यार सॉरी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तलाश तो मना किया तूने। ए जी कपड़े क्या निकाल रहा है? थ्री इडियट। मैडम बाथरूम जाना है। मैडम मुझे कुछ काम था,
3 बजे तक जाना है। सबके लिए चाय ले आओ और चली जाओ। मैं? हाँ। मुझे तो लगा था कि आज तू गया, लेकिन तू तो बच गया। मैडम बोतल घुमाऊं मैडम? हाँ? पीटर हा? तुम मुझे पागलों की तरह प्यार करते हो, चलो प्रपोज करो। ये भूल है। हाय अरवी, मैं पीटर, तुम्हें कुछ बताना था। तुम बहुत सुंदर हो, इतनी जितनी कि यहाँ अब तक किसी ने देखी नहीं होगी। आईजी साहब से बात नहीं हो पा रही। ऐसे प्रपोज करते हैं क्या पीटर? जैसा कहती हूँ वैसा करो। समझो कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, 3 मिनट है तुम्हारे पास, एक अच्छी सी इमोशनल कहानी सुनाऊं, समझे? शुरू करो। एक गांव में एक बूढ़ा सरपंच रहता था, सभी गांव वाले उसकी इज्जत करते थे और सारा गांव उसे पसंद करता था। अचानक गांव में मर्डर हो जाता है, लोगों को शक उसी पर होता है। अब तो पक्का मरेगा। अब अगर वो घर जाएगा तो सब उस पर शक करेंगे और नफरत करने लगेंगे, और बिल्कुल मुत्थू फिल्म की तरह वो अपनी सारी जायदाद बांट देता है और वहां से चला जाता है। क्या बकवास कहानी सुना रहा है? कर रहा होता है तो उसे लगता है कि मैं अपने साथियों और दोस्तों के साथ बहुत ही खुश था, लेकिन अब मुझे अकेले मरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। फिर वो एक पेपर लेता है, उसमें अपने दिल की बात लिखता है, उसकी कॉपी कराता है और सबको भेजता है। किसी भले इंसान को वो चिट्ठी मिल जाती है और यहां पर धीरे से म्यूजिक ऐड होता है। वो चिट्ठी पढ़ता है और फिर वहां अपनी बाइक निकालता है, सिगरेट सुलगाता है और फिर कश लेता है। सोचता है कि सरपंच यहां कितना खुश था और यह भी कि क्या नहीं किया उसने गांव के लिए। वो सिगरेट फेंकता है और फिर सबको कॉल करता है, एक बस किराए पर लेता है और सभी को बुलाता है और फिर सरपंच के ठिकाने पर सबको ले जाता है। सरपंच उन सबको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, सभी को इतना खुश देखकर उसकी खुशी का भी ठिकाना ही नहीं रहता और वो मुस्कुराता है और फ्रेम फ्रीज होता है। एन इनक्रेडिबल फिल्म बाय पीटर। पीटर ये क्या बकवास कहानी है? आपने कहा ना अच्छी फिल्म की कहानी सुनानी है। ये कहानी बिल्कुल बकवास है। बाबा आदम के जमाने की कहानी सुनाई है तुमने, सरपंच और गांव की। ओह मेरी ही गलती है कि मैंने तुमसे पूछा। क्या तुम ऐसा कुछ नहीं लिखते जो रियलिस्टिक है? पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? चुपचाप अपनी जगह पे लौट जाओ। थैंक यू वेरी मच। अब सब मैं बांट दूं? जाओ जाओ। ए, वो देख कैसे चाय दे रही है। मुझे नहीं चाहिए। ले लो। लो। अब मैं जाऊं? बैठ जाओ, बैठो, जाने दूंगी। सर इधर आइए, आइए ना सर, बैठिए, मैडम के पास बैठिए। आप सब बच सकते हैं, बस तू चुपचाप खड़ा रहे। सिक्योरिटी अंकल आइए इधर। जाओ ना, जाओ जाओ, डंडा दे दो मुझे। डंडे का क्या करोगे? जाओ। ए, क्या हो गया तुझे? डर लग रहा है? आइए ना। मैडम हम तो 65 साल के, हम तो ठीक से चल भी नहीं सकते, हमने आपका क्या बिगड़ा। बैठ जाइए सर। मैडम आपकी वाइफ है सर, और इनका पिछले 3 सालों से इस आदमी के साथ नाजायज संबंध चल रहा है। आप इस शो योर्स ट्रूली में न्याय मांगने आए हैं। रेडी रोल, रेडी रोल। रोलिंग सर।
वो साहसी लोग जो बदलाव चाहते हैं उनके लिए योर्स ट्रूली साहित्य वेट ग्राइंडर को स्पॉन्सर्ड बाय मालविका मोबाइल्स ऑफर ऐसे कभी नहीं जैसे। तो बताइए, आप इतनी खूबसूरत हैं और काफी स्मार्ट भी लगती हैं, आपके पति देव भी काफी स्मार्ट दिखते हैं, ऐसा क्यों किया आपने बताइए ना। मजाक कर रही हो, मुझे जाना है, फिर ये सब क्यों कर रही हो? कवार, मैडम क्या पूछ रही है, जवाब दे इन्हें। मैं बताता हूँ, ये नागलक्ष्मी है, मैं इसके रंग के चक्कर में पड़ गया मैडम, वरना किसी काम की नहीं है, एक जेरोक्स की दुकान में काम करती है ये, और वहीं पर ये बुड्ढा मुझे मिल गया। 3 महीने पहले सर्विस सेंटर में मोबाइल दिया था, वहीं मैंने मैसेज देख लिया, पता है मैसेज में इसने क्या गुल खिलाए थे? हे भगवान, इतना अच्छा पति मिला और ऐसा क्या? मेरे बारे में ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? गुस्सा मत होइए और अपनी बात तभी कहें जब आपसे पूछी जाए। जी बताइए और क्या किया? और क्या मैडम, मुझे इसे तलाक दिलवा दीजिए, जब ये रोड पर आ जाएगी ना तब इसे पता चलेगा मेरी कीमत क्या है। सर, आप इनकी खुशहाल शादी को क्यों तोड़ना चाहते हैं? मैडम, हम साथ में काम करते पर कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। लिमिट क्रॉस करने से तेरा मतलब क्या है? शांत हो जाइए नागलक्ष्मी, अब तुम बोलो, आप बैठ जाइए, तुमने ये लिमिट क्यों क्रॉस की? हे भगवान, ये आप क्या कह रही हैं? झूठ मत बोलो, तुमने पिछले महीने ही अबॉर्शन करवाया है। अबॉर्शन? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। बोल सर, इसे मारिए मत, चाहे जो भी हो जाए एक औरत पर कभी हाथ नहीं उठाते। सर, आप इसे इस तरह क्यों देख रहे हैं? भगवान का सब, हमारा इनका एबॉर्शन से कुछ लेना देना नहीं है मैडम। अबे ये बुड्ढा क्या बकवास कर रहा है, ये बच्चा इसका नहीं है तो किसका है? कहां किसके साथ मुंह काला करवाया है तूने? सर शांत रहिए, सर रुक जाइए, ये बच्चा इस बुड्ढे का नहीं है और ये अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। मैडम आप एक काम कीजिए, मुझे इसे डिवोर्स दिलवा दीजिए। हम अचानक से ऐसे कैसे फैसला कर सकते हैं नागलक्ष्मी? तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है, जल्दी कहो। ये सब मेरे लिए ही क्या? चाप पापा थी मैडम। चलो कपड़ा धो। रेडी रोल। तुम्हारा पति कितना अच्छा है, नेक है, चुपचाप अपनी गलती मान लो और अपने पति से माफी मांग लो। सर, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या अगर ये अपने पति के साथ अच्छे से रहे? थोड़ा तकलीफ तो होगा मैडम, पर इसे अपने मन की करने दो। सारा हिंदुस्तान देख रहा है, ये तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देगा, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत हो रही है, चलो माफी मांगो। आप माफी की बात कर रही है मैडम, लेकिन देखिए ये टस से मस्त नहीं हो रही है, देखिए इसका गुरूर देखिए। नहीं रहना मैडम, ये तो मुझे मार डालेगा, इससे तो अच्छा है कि मैं इसके साथ चली जाऊँ। हो गया, फैसला हो गया है, इस बुड्ढे के साथ जाने दो इसे। ए बुड्ढे भेजा। देख रहा हूँ जब से उसे मारा ही जा रहा है, देख लिया कितना प्यार करती है मुझसे। मैडम अब अगर इसने बोल ही दिया कि मेरे साथ आएगी तो अब आज से हम दोनों एक दूसरे के हुए, इसके सिवा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। आप बोलो इसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर चुपचाप मेरे साथ आ जाए, मैं इसे किसी भी शूटिंग पर जाने से नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं इसके खाने का, जूस का, कपड़ों का, यहाँ तक कि मेकअप का भी ध्यान रखूंगा। आओ शोभा, आओ यहाँ मेरे साथ सोफा पर बैठ जाओ। आओ शोभा, आओ। अरे जरा एक मिनट मेरे साथ बाहर आना। अभी कुछ पता नहीं चल पाया सर, ओवर। सुभाष, वो बियर बार वाले का नंबर है ना? हेलो, स्टूडियो लाइन से बोल रही हूँ। सर, अंदर बिल्डिंग से फोन आया है। सर, हेलो, अंदर कौन है? तुम चुपचाप दरवाजा खोलो वरना हमें अंदर आना पड़ेगा। यहाँ अंदर 20 लोग बंदूक की नोक पे हैं। फिल्मों वाली पुलिस की तरह अगर आपने कोई होशियारी दिखाई या पीछे वाले दरवाजे से आपने अटैक करने की कोशिश की तो याद रखिएगा कि हर कदम पर एक आदमी की मौत होगी। सर, सीएम साहब से मिलने के बाद आईजी साहब फोन पे हैं। हेलो, चिनप्पन सर को इसके बारे में बताया कि नहीं? नहीं सर, लोग पहले से ही इकट्ठा हैं। बताइए क्या है? पीए को इन्फॉर्म कर दिया है, पेट्रोलिंग के लिए निकल चुके हैं, तुम जल्दी वहां पहुंचो। हम पहुंच रहे हैं सर। रुका, हम लोग प्रेस से, आप ऐसे कैसे रोक सकते हो? इतना घूम के जाए क्या? गाड़ी साइड में करो, बैरिकेड लगाओ। सर हम आगे कैसे जाएंगे? सर ये हट, सर हमको वहीं तक जाना है। हां ना, भीड़ बनकर। अरे हम प्रेस वाले हैं, मैं नहीं जाने दीजिए ना, जल्दी हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं सर, चलो 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 चलो
मीडिया को बैरिकेड से आगे नहीं आने देना। मैंने साइट मैप के लिए कहा था। होम मिनिस्टर के पीए सर। लाओ मुझे दो, मुझे दो। मैंने अभी उच्च अधिकारियों से बात की है। सारा इश्यू जो इस प्रॉब्लम में है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एनएसजी लाने के खिलाफ है। वो लोग 20 आदमियों को अंदर सस्पेक्ट कर रहे हैं सर। अगर हम इन्हें नहीं रोक पाए और कोई घटना हो गई तो बात बहुत बढ़ जाएगी सर। मिनिस्टर ने कमिश्नर शकील वहाब आईपीएस से बात की है। वो एनएसजी में 6 साल रह चुके हैं। 1999 में बीजीटी कैंपस में एक टेररिस्ट हॉस्टेज का केस था। ये उनकी कोर टीम में थे, आप चिंता ना करें। जी सर, बाकी मैं देख लूंगा। ओके सर। मैं प्रतीक्षा, चेन्नई से लाइव एनडीटीवी के लिए। सूत्रों ने बताया है कि अभी अभी टेररिस्ट ने अंदर से कॉल किया है। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज चेन्नई से आ रही है कि मैलापुर वेलन नगर 3rd स्ट्रीट के एक स्टूडियो में एक प्राइवेट टीवी शो की टीम के 20 से भी ज्यादा सदस्यों को आतंकवादियों ने बंदी बना लिया है। संवाददाता आनंद राज घटना स्थल से लाइव हमसे बात करने को तैयार है, आइए उनसे बात करें। आनंद राज, क्या स्थिति है वहाँ? यहाँ काफी अफरा तफरी मची हुई है। आसपास के लोगों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आतंकवादियों की खबर सुनने के बाद सभी लोग सकते में हैं। मैं देख रहा हूँ एक सरकारी गाड़ी भीड़ को चीरते हुए घटना स्थल पर पहुँच चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें आतंकवादियों और बंदूकों के बारे में कोई खबर मिल सके। ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। पीछे रहिए, पीछे रहिए। आप लोग किसी को भी आगे मत आने देना, ओके? सर पुष्पलता, ऑफिसर इंचार्ज। यस सर। जो लोग बंदी बनाए गए हैं उनके बारे में कोई जानकारी है? सारी डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं, साइट मैप मंगवा लिया है। अभी तक 8 बंधकों की जानकारी मिली है सर। डायरेक्टर बालाजी और एक्टर शोभा पार्थसारथी भी उनमें से हैं। हम बाकियों की जानकारी निकाल रहे हैं। शो की होस्ट शोभा पार्थसारथी भी बंदी बना ली गई हैं। सभी बंधकों के घर वाले और दोस्त धीरे धीरे। मेरा घर टीवी स्टूडियो के बिल्कुल पीछे, धड़ाम से आवाज आई। मैंने निर्भया मेनन से बात की है मैडम, पता नहीं किस आतंकवादी संगठन से है, अभी कोई जानकारी नहीं है। 5 मिनट दीजिए। मैडम निर्भया, एज फार एज आई नो इट कांट बी एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। माओवादी जरूर हो सकते हैं। शकील है ना वहाँ, मैं खुद उससे बात करती हूँ। सर डीजी निर्भया मेनन लाइन पर है। यस मैडम, बस अभी पहुंचा हूं मैडम, मैं बताता हूं आपको। थैंक यू। उस नंबर पर फोन लगाओ। ओके सर। अरुवी फोन उठा के बात तो कर। हेलो। मैं नहीं जानता तुम कौन हो या किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हो, मुझे सिर्फ ये जानना है कि वो 20 बंधक सुरक्षित है या नहीं। कितने मारे गए और कितने बचे, यहाँ बहुत ज्यादा अफरा तफरी है। गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। यहाँ पर जो भी है सब सेफ है सर। पर हम कैसे मान लें? ओके। कौन हो तुम, किस ग्रुप से हो और क्या डिमांड्स है तुम्हारी? मैं तुम्हारी तरफ से सरकार से बात कर सकता हूँ। तुम्हारी क्या मांगे हैं बताओ मुझे। सर ये इतने लोग यहाँ क्यों जमा है? फ्यूनरल है सर। टाइम निकला जा रहा है, हमें अंदर घुसना है, उन्हें गिरफ्तार करना है। इन सबको हटाओ यहाँ से। यस सर। क्या करो तुम लोग, देख नहीं रहे कमिश्नर कितने गुस्से में? हटाओ इस मैयत को यहाँ से और मीडिया को हटाओ, चलो जल्दी करो। तो बताइए सर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? हमने केंद्र की इंटेलिजेंस को पहले ही आगाह किया था कि तमिलनाडु आतंकवादियों के निशाने पे। आखिर ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये स्टेट का मामला है। किस पे आरोप लगाएं? आप बिना जानकारी आरोप लगाएं, बताइए। हम आप पर आरोप लगाते हैं, हमारे स्टेट का मामला है, आप इससे दूर रहें तो अच्छा है। पूरी इंडस्ट्री आज गुहार लगा रही है, मेरा यकीन है कि बात जरूर सुनी जाएगी। लेकिन देखा जाए तो आज पूरे देश में एकता की लहर दौड़ चुकी है। और फिलहाल आप हमारे साथ सुन रही अगला गाना अपने फेवरेट स्टार का। आखिर किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम, आतंकवाद ही इसके लिए जिम्मेदार है। से ताल्लुक नहीं रखती। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे किसी को चोट पहुंचे। यहाँ पर सभी लोग सुरक्षित हैं। मेरी सिर्फ एक मांग है और वो मैं थोड़ी देर में बता दूंगी। पूरी कर देना और फिर आधे घंटे में मैं सरेंडर कर दूंगी। सर हेलो सर, मैंने उसकी फोटो भेजी है, तुरंत पता कीजिए वो कौन है। वो उसके डिमांड्स का अभी तक कुछ पता नहीं चला, बस इसी बात को आप डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुँचा दीजिए। ये ऐसे नहीं मानेंगे बेवकूफ। चले बिचट, चल बिचट, बिचट, कहा ना दूर रहो। अब डर लग रहा है अरुबी। सुनो सुनो, तुम सरेंडर कर दो, अगर फोर्स अंदर आई तो गोली चला देगी, उन्हें फोन करके सरेंडर कर दो। पुलिस आखिर कर ही क्या सकती है, ज्यादा हुआ तो जेल हो जाएगी। मैं एड्स पेशेंट हूँ, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, मुझे सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में रखा जा सकता है। सुभाष यहाँ का टीवी ऑन करो। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। लड़की का नाम अरुवी है, उम्र 24 साल,
उसने MCC चेन्नई में साइकोलॉजी की पढ़ाई की है। वो अपने माता पिता से अलग रहती है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो एड्स से पीड़ित है। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं। उस लड़की के बीमारी के बारे में इंक्वायरी चल रही है और उसकी फैमिली और उसके दोस्तों से सवाल किए जा रहे हैं। स्पेशल ऑफिसर शकील वाहब ने अपना आपा खोकर मीडिया कर्मी पर अपना हाथ उठाया। इस वक्त आप वारदात की खास तस्वीरें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस और मीडिया वालों के बीच तनाव का वातावरण है। मीडिया वालों ने इस घटना का निषेध किया है। एक और कॉलर है लाइन पे। नमस्ते, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं महिला जुतराज से सभापति बोल रहा हूँ। कहिए सभापति जी, आपका इस घटना पर क्या कहना है? हमारा कानून और सजा दोनों को कड़ा होने की जरूरत है। अरुवी जैसी लड़कियाँ बिल्कुल दया के पात्र नहीं है। इन जैसों को पत्थरों से मार देना चाहिए। अपनी बात कहने के लिए धन्यवाद। हमारे पास एक नई जानकारी आई है। CRPF की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं खबर लाइव। सर, मैंने कॉल किया था आपको, बस ये पूछना था कि दरवाजे से कोई आ रहा है। सर, मैं कॉल बैक करता हूं आपको। आई जस्ट कॉल यू बैक। चेक करो इसे, ठीक से चेक करो इसे। बैठ जाओ। हमने पूरा इलाका घेरा हुआ है, डरो मत। अंदर कितने लोग हैं बताओ? फोन चालू है मेरा सर, मैं बात नहीं कर सकता। अंदर पिस्तौल सर, मुझे बोला है कि मैं आपको दे दूं बस। तुम ये लिखावट पढ़ सकती हो? कोशिश करती हूँ। पढ़ो इसे। मटन बिरयानी सर, ये तो खाने की लिस्ट है। आगे पढ़ो। 6 मटन बिरयानी, 3 चिकन बिरयानी, 4 मटन टिक्का, 4 फिश फिंगर और 4 दही चावल। सर काफी लंबी है। उसने ये दिया है? हाँ सर। सर इसमें एक बियर भी जोड़ लो ना सर। एक मिनट सर। हाँ मैडम, मैंने सर को लिस्ट दे दिया और बियर भी बोल दिया। पूछिए और किसी को कुछ पीना है क्या मैडम? सुभाष थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। सब लोग खाना खा के यहाँ से बाहर जा सकते हैं। हम सरेंडर कर देंगे। सब कुछ आ गया मैडम। अंग्रेजी दारू किसने मांगी थी? मैं। अच्छा तू है। ए, लोकल मिली है, चलेगा ना? दो गलियों के फासले में खड़ा हूँ। वो जो हरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं जहाँ पर कौआ है, वहीं आतंकवादियों के छुपने की खबर है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार CRPF की स्पेशल कमांडोज की एक टुकड़ी यहाँ पहुँच चुकी है। It's been about 6 hours since the terrorist attack at the local television station. We're 50 meters from the site. वो कुछ भी कर सकते हैं, हमें अलर्ट रहना चाहिए। We don't know how powerful they are. उनके प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहुंच चुके हैं सर। दरवाजे पे बम लगा दिया है सर। सर, वेटिंग फॉर योर कमांड। गो। चलो
चलो चलो सुरक्षा के लिए अंदर जा रहे हैं सर। अरे ऐसा मत करो, सारा मीडिया यहाँ पर है, ऐसा करके तो हंगामा हो जाएगा। चलो जल्दी करो, इसे जल्दी लेके चलो। चलो कर लिया गया है। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। हमारे संवाददाता इसकी पल पल की खबर के लिए मुस्तैद हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जो अब तक की जानकारी के अनुसार उन सभी बंधकों को स्टूडियो से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है जो अरवे की गिरफ्त में थे। मैं इशू की नाम क्या तुम्हारा नाम और उम्र क्या है? हाँ, कई सालों से इशू कर रही हूँ। ये नाम्बू है, जापानी पिस्टल, सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज की गई थी सर। किसकी है? आरवी के दादाजी की सर। रुकिए रुकिए, आप मीडिया के लोग शोरगोल ना करें प्लीज। अभी छानबीन शुरू नहीं हुई है, हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। दोनों ही अपराधी एड्स पेशेंट हैं, जिनमें एक की हालत बहुत गंभीर है, जिनमें से एक को सिर्फ डॉक्टर के निगरानी में रखा जा सकता है। जब तक कि हम उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर देते, हम आपसे कुछ नहीं कर सकते। फॉर सेल्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, इसकी कंडीशन बहुत खराब है, ये तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। इससे दवा की नहीं, आप सभी के दुआओं की जरूरत है। और एमिली? वो बिल्कुल ठीक है, उसकी चिंता की जरूरत नहीं, वो तो अभी बहुत जिएगी। एक दिन चली गई शैतान और वापस आई तो बीमारी लेकर। अरिवि का कोई कसूर नहीं। चलो अंदर चलो, चलो उठो। और कितना वक्त बाकी है डॉक्टर? तुम बिल्कुल ठीक हो, किसी बात की चिंता मत करो, हिम्मत से काम लो, ठीक है? तुम्हारा नाम? अरुवी। क्योंकि दोनों दोषी एचआईवी से पीड़ित हैं, इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उन्हें डॉक्टर की निगरानी में ही रखा जाए। पुलिस ने आदेश का पालन करते हुए उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। दे दीजिएगा उसे और कहिएगा कि कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करें। हाँ जरूर। बहुत गंदी लग रही हूँ ना मैं? अरे नहीं नहीं, एकदम पटाखा लग रही है, पागल हो गई क्या तू? जगाऊं क्या? सोने दो इसे। हाँ
फैमिली, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लगता है मैं यहीं मर जाऊंगी, बदबू आती है यहाँ, मुझे कहीं ले चल प्लीज, डरती हूँ कि कहीं इस कैद में ही ना मर जाऊँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे कहीं ले चल। तुझे कुछ नहीं होगा रूबी, और यहाँ डॉक्टर्स भी तो हैं, हम कहाँ पर जाएंगे बता, मैं हूँ ना तेरे पास, रोते नहीं हाँ, चिंता मत कर, आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर। पापा, मुझे मेरे पापा से मिलना है। अरे पापा आ गया। मैं ले चलूंगा तुझे, पापा हमेशा तेरे साथ। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अरवि गायब है। सारे टेस्ट किए हैं, अरुवी एचआईवी पॉजिटिव है। ए, जब देखो आईपैड में घुसे रहते हो, रखो। चुप रहो माशेट आप। ए, इस तरह बात मत करो मुझसे। तुम्हें पता है मॉम अब उस शूटिंग पे नहीं जाएंगी। रियली? पापा है? नहीं माँ, एफबी एक न्यू वीडियो मैसेज आया, कोई ARUVI नाम का। अरुवी माँ। एमली दीदी एक मिनट इधर आओ। हम वो नया सीन शूट करेंगे ना, वो तो कंप्लेंट्स की वजह से हटाना पड़ा। रुक मैं तुझे कॉल करता हूँ। आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता जब तक आप लोग ये देखेंगे मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। मैं बचपन से ही बहुत शैतान रही हूँ। मैं अपने छोटे भाई को बहुत रुलाती थी, उसे मारती थी, और वो पप्पी जो हमारे गांव में था, परमेश्वरी जिसके स्कर्ट पे दाग लग गया था, मैंने उसे भी रुलाया था। और मेरे स्कूल के सारे दोस्त, मुझे पता नहीं कि वो इस समय कहाँ है। मैं तो शादी करके बच्चे भी पालना चाहती थी, ना जाने कितने सपने संजो कर रखे थे मैंने अपने बच्चों की परवरिश के। उसका छोटा सा चेहरा इस वक्त मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत डर लगता है।
मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रही हूँ। रोज मरने का ख्याल, इस खूबसूरत जगह को छोड़ने का ख्याल मुझे एहसास दिलाता है कि मैंने जिंदगी ठीक से नहीं जी। दर्द है पर कोई बात नहीं, खाना नहीं निकल पाती पर कोई बात नहीं, बस लगता है कि कुछ दिन और जी लूं, बस सिर्फ कुछ दिन और जी लूं। पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है। पापा मैं बस आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया पापा, आप मेरे बिना कैसे जी पाते हैं? जब आपने कहा चली जाओ, मेरे पास कोई नहीं था, बस एमिली थी। उसने मेरी कभी नहीं मानी, कभी मेरी बात नहीं सुनी, पता नहीं क्यों, पर वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हमेशा मुझसे पूछती रहती है तुझे ये चाहिए या तुझे वो चाहिए, हमेशा जिद करती रहती है बस। पर मैंने उससे नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए, मैं हमेशा अपनी बात ही करती रही बस। अगर मेरे जाने के बाद तुम में से कोई भी अपने बच्चे का नाम आरूवी रखेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस आरूवी को बताना कि वो किसी भी इंसान या चीज पे आंख मूंद कर कभी भरोसा ना करे, उसे सवाल करना सिखाना और कहना कि सबसे अच्छी तरीके से बर्ताव करे। और क्या कहूँ, मुझे नहीं पता, दिमाग में बहुत कुछ होता है पर मैं भूल जाती हूँ। आज सुबह बहुत खांसी हुई, मुझे लगा कि मैं आज ही मर जाऊंगी, तो मैंने सोचा अगला खांसी का दौरा पड़ने से पहले मैंने सोचा कि मैं तुम सबसे ये कह दूं। काश मैं तुम सबको एक बार देख पाती, बस और कुछ नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। बाय। एक सिगरेट देना। ओके सर। सर कहने की जरूरत नहीं है, पीटर कह सकती हो। ओके पीटर। पीटर तुम मुझे पागलों की तरह प्यार करते हो, चलो प्रपोज करो। एक अच्छी सी इमोशनल कहानी सुनाओ। और फिर बाहर जाकर वो सिगरेट का कश लेता है और फिर सबको कॉल करता है, सोचता है कि सरपंच यहाँ कितना खुश था। सरपंच के किस्से उसकी आंखों के सामने तैर गए, उसने सिगरेट फेंकी और अब यहाँ म्यूजिक बजता है। आप अरुवी के डैड बोल रहे हैं? देखा मैंने। हाँ अवश्य। कितने बजे मिलोगे? कल सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा सर। यंडाल कुड़ी कल यहीं पर है ना? सामने ऊपर ही है, जीप से जा सकते हैं।
डार्लिंग, डार्लिंग। सुभाष बोतल घुमाएगा।